धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा प्रत्याशी नायब सिंह सैनी ने लाडवा कस्बे में कई जनसभाओं को संबोधित किया और भीड़ को देखकर नायब सिंह सैनी ने मोदी की और भाजपा की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा, नरेंद्र मोदी निश्चित रूप से एक बार फिर प्रधानमंत्री की कुर्सी पर आसीन होंगे, उन्हें इस बात का पूर्ण विश्वास है। और धर्मनगरी कुरुक्षेत्र से कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार को लेकर चल रही अटकलों को लेकर बोले, कुरुक्षेत्र की क्या बात करें, कांग्रेस के सबसे बड़े नेता राहुल गांधी की खुद की हालत पतली है, उन्हें समझ नहीं आ रहा कि वह क्या करें, इसलिए वो खुद भी दो जगहों से चुनाव लड़ रहे हैं, तो आप उनके निचले स्क्रब नेता की हालत का तो अंदाजा लगा सकते हैं। देखिए, आज सुबह से मैं लाडवा हलके में हूँ, हर गांव के अंदर लोगों का नरेंद्र मोदी जी के प्रति एक जन सैलाब उमड़ करके आ रहा है। देश का हर व्यक्ति, हर बच्चा बच्चा एक ही बात बोल रहा है कि 2019 के अंदर दोबारा फिर इस देश की मजबूत हाथों के अंदर बागडोर जाए और नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने, ये हर व्यक्ति की इच्छा है। आज आप देख भी रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी ने जो पिछले 5 वर्षों में गरीबी के प्रति जो लड़ाई लड़ी है, जो देश की मजबूती की तरफ उन्होंने काम किए हैं, आज उसको लेकर के गांव गली का विकास हुआ है, उन सब बातों को लेकर के जो योजनाएं थी उन योजनाओं का लाभ सीधा सीधा व्यक्ति तक पहुंचना शुरू हुआ है कि कांग्रेस को जमानत भी जब्त हो जाएगी, उसको कहीं वोट भी दिखाई नहीं देगी, क्योंकि कांग्रेस के जो नामदार हैं राहुल गांधी हैं, जिन्होंने अभी फिर ये झूठा वायदा देश की जनता से करके इलेक्शन के अंदर आए हैं कि हम गरीबी हटाएंगे, 55 वर्ष तक वो गरीबी नहीं हटा सके, लोगों को गुमराह करके वोट लेने का काम करते रहे, परंतु आज राहुल गांधी को भी ये दिक्कत आ गई है अपने क्षेत्र से चुनाव लड़ने में, दो दो जगह से वो चुनाव लड़ रहा है, और इसलिए लड़ रहा है क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने आज मजबूत विकास इस हिंदुस्तान का किया है, आज गरीबी के प्रति मजबूत लड़ाई लड़ी है, और 23 मई को जब चुनाव परिणाम आएंगे तो देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी दोबारा फिर शपथ लेगा, ये देश की जनता ने तय कर लिया। अर्थ प्रकाश टीवी के लिए कुरुक्षेत्र से कुलतार सिंह की रिपोर्ट। ताज़ा अपडेट्स के लिए अर्थ प्रकाश टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।